हाय गाइस, माय सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वाकई में लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज से रिलेटेड कैसे है। जैसा कि आप, चलिए इसको बनाने समझने के लिए हम लोग डायग्राम का सहारा लेते हैं कि आखिर लिंक जिन किसको कहा जाएगा और नॉन लिंक जिन किसको कहा जाएगा। मान लीजिए आपका गुण सूत्र है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में होते क्या है कि जीन जो है से अवस्थित होते हैं। मान लीजिए ए जीन है और ये बी जीन है, और यह जो गुण सूत्र है मान के चलिए ये पैटर्नल है। पैटर्नल मतलब तो ऐसे गुण सूत्र जो फादर की तरफ से है, इसको प्लस मान ले लिख सकते हैं। प्लस एक गुण सूत्र और हम लोग बना लेंगे और इसका मान लीजिए जीन लोकाई जो है वो सी और डी है। अब यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन हो रहा है, मैटर्नल क्रोमोसोम मान लीजिए। अब यहां पर एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तब इसमें हम क्या होगा कि जब जब भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है तब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर देखिए, ये जो दो गुणसूत्र के नन सिस्टर क्रोमेटिड हुए तो नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर इस क्रोमेटिड के बीच में भी हो सकता है, इस क्रोमेटिड के बीच में भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर इस क्रोमेटिड के बीच में हुआ, तो न्यू कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा वह ज्यों का त्यों रहेगा। ये मान लीजिए ए था और ए बी और एक गुणसूत्र और थे जिसका जीन था सी और डी। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नीचे वाले क्रोमेटिड में हो रहा है तो जो जीन जो प्रेजेंट है ऊपर वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में उनमें सेपरेशन नहीं हुआ, तो ए पैरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ और ए चाइल्ड कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस चाइल्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीन का सेपरेशन नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है लेकिन जीन का बंटवारा, जीन का सेपरेशन नहीं हो रहा है। इस टाइप के जीन को कहेंगे लिंक जीन। क्या इसका मतलब, ये जो दोनों जो जीन है किस प्रकार के जीन है, लिंक्ड जीन है। और लिंक जीन का खासियत क्या है कि ये काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब नॉन लिंक हम लोग समझ लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक डायग्राम हम लोग और बना लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए ए हो गया और एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए बी हो गया। इस पर जीन जो है से सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर दो जगह हो रहा है, एक यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जो न्यू जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ए हो गया पैरेंटल कॉम्बिनेशन। अब इसका जो, चूंकि क्रॉसिंग ओवर ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, तो इसका जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा तो ए वाला पार्ट उठकर कहां चला जाएगा, इस गुणसूत्र में चला जाएगा और सी इस पर आ जाएगा। यानी ए चला जाएगा इस पर और सी आ जाएगा इस पर, और बी चला जाएगा डी इस पार्ट में और डी आ जाएगा इस पार्ट में। इसको हम लोग न्यू कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो ए पॉइंट हो गया सी, ए पॉइंट हो गया डी, और एक गुणसूत्र और जो हुए इसका पॉइंट हो गया ए और इसका पॉइंट हो गया बी। ए हुआ चाइल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और जीन का बंटवारा भी हो जा रहा है, जीन का सेपरेशन भी हो जा रहा है। इसको कह सकते हैं कि ए और बी जो जीन है और सी और जो डी जीन है लिंक जीन नहीं है, क्योंकि इनका सेपरेशन हो जा रहा है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी कॉम्बिनेशन, सी एंड डी आर नॉट लिंक जीन। और जिस जीन का बंटवारा नहीं हुआ, यानी दो जीन एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको कहेंगे लिंक्ड जीन और उस फेनोमेनन को कहेगा लिंकेज। तो इस लिंकेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ बोथ जीन्स इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगले जनरेशन में दो जीनों का एक साथ स्थानांतरण होने की क्रिया को कहा जाएगा लिंकेज। इतना आपको हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लिख लेते हैं कि लिंकेज क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ टू जीन टुगेदर
इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगले पीढ़ी में जो दो जीन एक साथ ट्रांसफर होंगे, इनहेरिट होंगे, उनको कहा जाएगा लिंकेज। अब डिस्टेंस जैसे देख लीजिए, दो जीन यहां पर काफी पास पास में थे और नेक्स्ट जो डायग्राम बनाए थे उसमें दूर दूर थे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, अभी दो जीनों के बीच में दूरी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज का। इसका मतलब हुआ यदि दो जीन जो हैं यदि पास पास स्थित हैं, यानी उनका डिस्टेंस कम है तो लिंकेज का अधिक चांस है। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि लेस डिस्टेंस, यदि दूरी कम होगा दो जीनों के बीच में तो वह हाई लिंकेज शो करेगा, और यदि डिस्टेंस मोर डिस्टेंस होगा यानी ज्यादा गैप होगा दो जीनों के बीच में तो यह लेस लिंकेज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो जैसे देख लीजिए ए और बी जो जीन है इनका डिस्टेंस क्या है, लेस है, तो ये हाई लिंकेज शो करेंगे। और यदि दूसरा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एक यहां पर है ऊपर और एक नीचे वाले क्रोमेटिन में, यानी दूर है एक दूसरा से, डिस्टेंस क्या है इसका मोर है, तो ये इसका लिंकेज क्या होगा, लेस लिंकेज। तो एक चीज याद रखेंगे पूरी तरीका से कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि क्रॉसिंग ओवर एलील के बीच में हो रहा है इसका मतलब कि लिंकेज की मात्रा क्या होगी, कम होगी।